तो यार कैसे हो सब लोग। यार आज के इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नई अटैक स्ट्रेटजी। ये वैसे नई अटैक स्ट्रेटजी है नहीं, बट फिर भी यार तुम लोगों को मैं ये वाली अटैक स्ट्रेटजी दिखाने वाला हूँ और इसका नाम है लावालून। तो तुम लोग को मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में दिखा रखी है वाली स्ट्रेटजी, बट आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आपको कि यार कैसे इस वाली अटैक स्ट्रेटजी को यूज़ करना है और किस टाइप की अटैक्स आप इससे परफॉर्म कर सकते हो। तो चलो यार एक बार इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। सर सबसे पहले तो आपको पता ही होगा यहाँ पर अभी जो ये लावालून है एक तरह से एयर स्ट्रेटजी है, और एयर स्ट्रेटजी मतलब इन द सेंस यहाँ पर पूरी एयर आर्मी ये वाली है। तो मेरा जो आर्मी कॉम्बो टाउन हॉल 10 के लिए वो है 25 बलून्स, 1 विजार, 2 बेबी ड्रैगन एंड 3 लावा हाउंड्स। एंड स्पेल्स में मेरे पास है 4 रेज, 2 हेस्ट स्पेल्स एंड 1 पॉइजन है। और क्लैन कैसल में मैं लेता हूँ लून्स प्लस हेस्ट। अगर तुमको हाउंड मिल रहा है तो हाउंड लेके जाओ, एंड हाउंड तब लेना जब तुम ट्रॉफी पुश कर रहे हो। जब तुम लूट मारते हो तब यार तुमको हाउंड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो तुमको देता है उसका भी डार्क लिक्सर एक तरह से वेस्ट हो रहा है उसमें। तो अभी तुम लोग को मैं यार कुछ अटैक्स दिखाऊंगा, बट अटैक दिखाने से पहले हम लोग यार सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि ये जो स्ट्रैटेजी है यहाँ पर तुम ट्रॉफी पुशिंग एज वेल एज तुम लोग यार यहाँ पर फार्मिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यार ये वाली स्ट्रैटेजी इतनी एक तरह से यहाँ पर एक्सपेंसिव भी नहीं है एंड यहाँ पर बहुत अफोर्डेबल भी नहीं है। तो मीडियम आपको यहाँ पर एलिक्सर एंड जो डार्क एलिक्सर है वो यहाँ पर बीच में तुम लोगों को स्पेंड करना पड़ेगा, जो भी तुम अपनी एक्सपेंसिव एंड लीस्ट एक्सपेंसिव स्ट्रैटेजी अगर तुम बनाते हो तो। एंड अभी यार आर्मी अपन लोग देखते कैसे यूज़ करना है। तो यार यहाँ पर तुम लोग को मैं सबसे ज़्यादा लूट वाला जो मेरे को रिप्ले मिला था वो दिखा देता हूँ पहले, फिर उसके बाद में तुम लोग को मैं दिखाऊँगा एक 3-स्टार करा हुआ रिप्ले। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला भी 91% वाला रिप्ले दिखा देता हूँ। तो अभी करेंटली तो मैं यार क्रिस्टल लीग में हूँ, डार्क लीग से मेरे को फार्म करना है। और लावालून यार अटैक स्ट्रेटजी तुम टाउन हॉल 9 प्लस का तुम्हारा बेस है तो तुम यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पर अभी तुम लोग देख ही सकते हो ये पूरा का पूरा डेड बेस है, तो इस पर यार इजीली तुम लावालून कर सकते हो। और अटैक करने के पहले यार तुम लोगों को यहाँ पर एक चीज़ देखनी है, एयर डिफेंस की प्लेसमेंट और उसके बाद में जो एयर स्वीपर है उसकी प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब तुम लोग यहाँ पर देखो एयर स्वीपर एक यहाँ पर पड़ा है और एक और एयर स्वीपर है जो कि यहाँ पर पड़ रखा है। तो ऐसे अगर तुम एयर स्वीपर की प्लेसमेंट पहले से देख लो ना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है तुम्हारी, क्योंकि तुम बलून्स अगर एक साइड से डालोगे तो यहाँ पर एयर स्वीपर जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से तुम्हारे जो बलून्स को पुश बैक करेगा और तुमको यार ज़्यादा स्पेल्स डालने पड़ेंगे और तुम्हारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, जिससे लास्ट में तुम्हारा जो अटैक का रिजल्ट होगा वो एक तरह से 3-स्टार नहीं हो पाएगा, 2 स्टार्स ही आएंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने एयर स्वीपर के बिल्कुल सामने बलून्स डाले थे जो कि मैंने गलती कर दी थी, और उसकी वजह से ही यहाँ पर मेरे 2 स्पेल्स वेस्ट हो गए, 3 स्पेल वेस्ट हो गए। एक तो 2 मेरे जो है वो स्पेल उड़ गए थे और एक रे स्पेल मैंने उड़ा दिया था। तो लास्ट में मेरे को अभी ये वाली एयर डिफेंस के लिए रे स्पेल मिला नहीं, और यहाँ पर भी तुम देख सकते हो ये वाली एयर डिफेंस है वो यहाँ पर बची हुई है। तो अगर यार तुम एयर स्वीपर की पोजीशन जो है वो पहले से चेकआउट कर लोगे ना तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और तुम लोग यार 3-स्टार अटैक आराम से कर सकते हो अपने इक्विवेलेंट लेवल के बेस पर। मतलब ऐसा नहीं कि तुम लोग लावा ऐसा नहीं कि यार तुम लोग लावा लून कर रहे हो और यार तुमने उठा के किसी भी बेस पर अपने बलून चेप दिए और 3-स्टार तुम्हारे को मिल जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है यार कभी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बट तुम्हारे इक्विवेलेंट बेस को अगर तुम पूरी तरह से एनालाइज करके अटैक करोगे ये वाला तो बढ़िया तरीके से अटैक परफॉर्म हो जाएगा। और तुम अगर फार्मिंग कर रहे हो तो तुम लोग को यार लूट भी काफ़ी अच्छी तुम गेन कर सकते हो इससे। यार ऐसा नहीं है कि यार तुम सिर्फ लावा लून ही यूज़ करो, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि तुमको सिर्फ लावा लून ही यूज़ करनी है फार्मिंग करने के लिए। ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं जिससे तुम लोग यार लूट मार सकते हो, बट अभी इस वाले वीडियो में हम लोग लावा लून कवर कर रहे हैं, तो यार इसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर अभी तुम लोग देख सकते हो लास्ट में मैंने आर्चर क्वीन एंड अपना किंग डाला है, तो यहाँ पर ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लीनअप तुम्हारा जो है वो अच्छी तरीके से हो, क्योंकि अगर तुम डेड बेस पर अटैक कर रहे हो तो तुमको पता होगा जो बलून्स है वो सिर्फ डिफेंसेस को टारगेट करते हैं, और एट लास्ट ऐसा नहीं कि हर अटैक में तुमको यार जो सारे बलून्स है वो जिंदा रहे। तो बेबी ड्रैगन तुम 1-2 लेके आया करो और जो क्वीन एंड किंग है वो तुम्हारे पास तो ऑलरेडी रहेंगे अगर तुम टाउन हॉल 9 पर या फिर टाउन हॉल 10 पर हो। और आप देख ही सकते हो अभी इसको स्पीड अप करते हैं, जो क्वीन है वो यहाँ पर नॉर्मल क्लीन अप करेगी। एंड मैंने एक तरह से गेम को रिस्टार्ट कर दिया था जो अटैक था, क्योंकि मेरे को बहुत बोरिंग लग रहा था यार, कौन देखेगा यार ऐसे अटैक को अगर तुम सिर्फ वॉल तोड़ रहे हो और जो क्वीन है वो यहाँ पर उधर घूम रही है। यार मैंने गेम को रिस्टार्ट करा था और उसके बाद में ये 91% जो अटैक है हो चुका है।
तो ये वाला जो अटैक था, सबसे पहले मैंने आपको जो दिखाया वो लूट अटैक था, और अभी जो अटैक दिखाऊंगा वो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 3-star अटैक होने वाला है। तो किस तरह से आप 3-star अटैक यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप अभी देख सकते हो, यहाँ पर जो एयर स्वीपर पोजीशन है वो यहाँ पर, तो एक एयर स्वीपर की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है और एक की इस तरफ है। तो बेटर, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा अगर मैं बलून यहाँ से नीचे से डालूँ या फिर ऊपर से डालूँ। तो आपको अटैक मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने जो बलून्स है मैं यहाँ पर नीचे से डालना शुरू करा है, और पीछे से मैंने 3 लावा हाउंड्स डाले हैं, एंड ये स्पेल्स मैंने बलून्स के लिए पहले ही यूज़ करा है। ये आपके ऊपर है कि आप स्पेल्स को कैसे यूज़ करते हो, बट मैंने तो यार प्रेफर करता हूँ कि यार जो स्पेल्स है वो ऑलरेडी जल्दी से जल्दी डालना शुरू कर दूँ मैं। तो आप लोग अगर लेट प्लेसमेंट करते हो स्पेल्स की तो भी ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और यहाँ पर आप देख ही सकते हो अभी कि जो बलून्स है वो एकदम अच्छे से यहाँ पर अंदर जाके उन्होंने सेंट्रल कंपार्टमेंट पूरा क्लियर कर दिया है, और जो यहाँ पर एयर डिफेंसेस थे वो भी क्लियर हो चुके हैं। और इस बार मेरे क्लाइंट के समय लून्स भी थे, तो मैंने दूसरी साइड से लून्स डाल दिए ताकि वो ज़्यादा मरे ना, जब वो लेवल 7 के जो बलून्स आते हैं वो यहाँ पर एयर डिफेंस को जल्दी से निकाल दे। और ये वाला जो विजार टावर है ये भी थोड़े बहुत बलून्स को निकाल लेगा, बट जो बलून्स की जो स्पैम करा था मैंने वो अभी भी यहाँ पर बाकी है, और जो भी डिफेंसेस थे वो यहाँ पर मेरे को मिल चुके हैं। और लावा पफ्स जो है उन्होंने यहाँ पर क्लीनअप काफ़ी अच्छा कर लिया है, आप देख ही सकते हो। और जो एट लास्ट मेरे पास किंग एंड क्वीन है वो भी इसमें हेल्प कर देते हैं, एंड बेबी ड्रैगन तो यार आपको पता ही होगा, पूरा आप क्लीनअप ट्रूप उसको समझ के चलो। और यहाँ पर इसको भी मैं बूस्ट कर देता हूँ, बूस्ट नहीं यहाँ पर स्पीड अप कर देता हूँ अटैक को, आप देख ही सकते हो यहाँ पर बढ़िया अटैक हो चुका है ऑलरेडी। तो 24 सेकंड्स में ऑलमोस्ट मेरा पूरा क्लीनअप हो गया था, और बिल्डर हटी बाकी थे जो कि इस वाले पप ने निकाल दिया था। और अभी यार एक और लाइव अटैक करते हैं, तो वो तुम लोग को मैं बताने वाला हूँ। तो यार अभी मेरे को यार ट्रूप्स भी मिल गए, एक लैंड कैसल की स्पेल नहीं मिला है अभी तक, बट कोई दिक्कत नहीं, बिना स्पेल के भी हम लोग अटैक कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मेरी जो आर्मी है वो ट्रेन हो रखी है, तो जैसे ही मेरे को यार अच्छा सा बेस मिलता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर क्रिस्टल लीग में तुम खेलते हो तो ज़्यादा टाइम तुम लोग को लगेगा नहीं डेड बेस ढूंढने में, बट अगर तुम लोग कंटिन्यूस डेड बेस पे अटैक करते आ रहे हो तो तुम्हारे को थोड़ा सा टाइम लग भी सकता है, मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें। तो अभी यार जैसे ही मेरे को अच्छा सा बेस मिल जाता है मैं तुम्हारे साथ फिर से वापस जुड़ जाऊँगा। और जुड़ने की बात हुई तो यार यहाँ पर ये वाला डेड बेस मेरे को मिल चुका है, आप यहाँ पर देखो यार इसमें क्या है यार, लावा लून अटैक एकदम प्यार से हो जाएगा यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर सिर्फ अपने को देखना जो है वो है एयर स्वीपर की पोजीशन, तो एक एयर स्वीपर यहाँ पर है और एक एयर स्वीपर यहाँ पर है, तो मैं कहीं से भी अटैक स्टार्ट करूँ यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं वैसे इस साइड से अटैक स्टार्ट करने वाला हूँ जो ये वाली साइड है, तो पहले हम लोग थोड़ा सा क्लीनअप कर लेते हैं यहाँ पर अपने विजार्ड से, ठीक है, एक विजार्ड क्लीनअप के लिए बढ़िया रहेगा। और फिर उसके बाद 2 finger से हम लोग डालेंगे अपने बलून्स, एंड थोड़े और बलून डालते हैं, और फिर उसके बाद लावा हाउंड डालेंगे प्लस एक रेज यहाँ पर, एक रेज नहीं एक हेस्ट यहाँ पर और एक रेस्ट एक हेस्ट यहाँ पर, और उसके बाद में जो रेज स्पेल होगा वो यहाँ पर ऐसे डाल देंगे सेंटर में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बलून्स हैं वो रेज अप हो जाए और अपने को ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है वो वाली चीज़। यहाँ पर अपन लोग डालते हैं अपना लावा हाउंड जो कि लास्ट वाला लावा हाउंड है अपने पास, और अभी भी तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर अपने पास 2 यहाँ पर रेज स्पेल बचे हुए हैं, जिनको मैं अभी यूज़ तो करूँगा बट करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर सारे जो डिफेंसेस है वो ऑलरेडी क्लीन अप हो चुके हैं। बट फिर भी यार अभी आर्मी यूज़ करने के नाम पर मैं पूरी जो रेज स्पेल की जो मेरी प्लेसमेंट है वो मैं डाल रहा हूँ वैसे ही। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया अटैक स्ट्रेटजी है, और यहाँ पर एकदम इजीली जो है वो क्लीनअप हो जाता है। अभी क्लीनअप के लिए तो यार बात करूँगा मैं, यहाँ पर एक बेबी ड्रैगन जो बचा है मेरा वो डाल दूँगा यहाँ पर, और एक आर्चर यहाँ पर डाल देंगे, और उसके बाद में जो किंग क्वीन है वो इस साइड से डाल देंगे ताकि जल्दी से जल्दी क्लीनअप हो जाए। तो आप अभी देख सकते हो यार यहाँ पर अटैक में कुछ बाकी नहीं है, एकदम ईजिली डेड बेस जो है वो 3-star हो चुका है। और अगर आप एक्टिव बेस पर भी अटैक करो, चाहे तुम लोग ट्रॉफी पुश कर रहे हो, तो यार तुम लोग को सिंपल एक्टिव बेस ही मिलेंगे ज़्यादातर, तो यार तुम लोग एक्टिव बेस पर भी अटैक कर सकते हो जिसमें एक्सबोज एंड ट्रैप्स लगे हो। ट्रैप्स जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं तुम्हारे अटैक के एंड रिजल्ट पे, तो उस पर भी तुम लोग को आसानी से 2-star तो मिले जाएंगे अगर तुम लोग अटैक को अच्छे से एग्जीक्यूट करोगे तो। एंड तुम लोगों ने मेरे लावा हाउंड अटैक देखे होंगे एक्टिव बेस पर कैसे होते हैं, बहुत ही बुरे अटैक्स होते हैं लावा हाउंड के एक्टिव बेस पर, आपको पता ही होगा। अगर नहीं देखा है तो कभी लाइव स्ट्रीम चेकआउट कर लेना मेरी लावा हाउंड वाली ट्रॉफी पुशिंग की, तुम लोगों को उसमें पता चल जाएगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं तुम लोग से मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, बट उससे पहले एक बार इस वाली वीडियो को लाइक करो एंड अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आए तो बस एक बार लाइक कर देना इस वीडियो को, एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वाली वीडियो को, एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। तो मैं तुम लोग से मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तो एज यूजुअल बाय बाय एंड टेक केयर।